बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपना जो है चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 10 क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के वो देख लिए हैं। आज हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हम एक नई चीज सीखेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन सीखी, लेकिन अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन नहीं देखी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए तो हम उनको डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने आज के इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में यही चीज सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 को आपने ध्यान से समझना है, और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 उसी तरह ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में डिवीजन ही करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहते हैं जी 2.6 डिवाइडेड बाय 3.7। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम हर ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर इसको क्या मैं लिखूंगा, 2+6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3+7 आयोटा, इससे हम लोग फेमिलियर हैं। नेक्स्ट इसको फिर मैं लिख सकता हूं 2+6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3+7 आयोटा। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपके डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना है। ठीक है, तो फिर देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, आपने अब इसको रैशनलाइज करना है, 3-7 आयोटा, 3-7 आयोटा, यानी कि 3-7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये क्या होगा, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2+6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3-7 आयोटा, और ये क्या होगा, और कीजिएगा जरा, 3+7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3-7 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, 2 3 6 -14 आयोटा +18 आयोटा, और ये -42 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी है, a है 3 और b है 7 आयोटा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिएगा 6 ये माइनस के 14 आयोटा प्लस के 18 आयोटा, तो प्लस के 4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस +42 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और -7 का स्क्वायर 49 और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, 6+42 48 और ये 7 आ जाएगा +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, अब ये आयोटा स्क्वायर का -1 वो माइनस और ये माइनस +49। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, इक्वल्स टू 48 +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 +9, 49 में अगर आप 9 ऐड करें तो आपके पास आएंगे 58, तो यह आ जाएगा 48/58 +4/58 आयोटा। दोनों के साथ अलग अलग से मैंने 58 को डिवाइड करवा दिया। अब इसकी कटिंग करें, 2 24 48 क्लियर, और 2 29 58, 2 2 29, तो क्या बच गया, 24/29 +2/29 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों की डिवीजन कर रहे हैं ना हम,
तो फिर चूंकि ऑर्डर पेयर में दिया गया है तो आप आंसर भी ऑर्डर पेयर में लिखे, क्या आंसर आएगा आपके पास 24/29, 2/29। ले जी, दो ऑर्डर पेयर्स की या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन हमने की तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 की समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही, दो ऑर्डर पेयर दिए गए उनकी डिवीजन करनी, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपने करने हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर भी अगर किसी सॉल्व ना हो या कोई इशू आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि कोई से दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लीकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। यानी कि आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं आर्बिट्रेरी, उसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो जो आंसर आए वो भी एक रियल नंबर आंसर आए, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो भी एक रियल नंबर आए। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रियल। यानी के कोई से दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन करें हम तब भी रियल नंबर आएगा, और अगर उनकी हम मल्टीप्लीकेशन करें तब भी रियल नंबर आएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। Where x y belongs to R, ठीक है, by definition। अब देखिए हमने then conjugate of z is, z का conjugate क्या होगा, z bar which is equal to x प्लस आयोटा वाई बार विच इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो z का कंजुगेट क्या आ गया, x माइनस आयोटा वाई। जब मैंने कंजुगेट करवाया था मैंने बताया था कि आयोटा वाले जो भी वैल्यू होगी उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, z और z बार ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है ना, तो दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन दोनों को हमने प्लस करना है तो देखना है क्या आंसर आता है, और मल्टीप्लाई करना है फिर देखना है क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर रियल नंबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, z प्लस z बार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ये प्लस के आयोटा वाई और माइनस के आयोटा वाई कट गए, बाकी क्या बच गया, टू टाइम्स एक्स, एक्स प्लस एक्स टू टाइम्स एक्स, जी प्लस जी कंजुगेट। ठीक है, यहां पे आप लिख देंगे लाइन, सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर देयरफॉर टू एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि x रियल नंबर है तो फिर उसका कोई भी मल्टीपल भी रियल नंबर होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट z प्लस z कंजुगेट इज रियल। एक तो हमने ये प्रूव करना था कि सम ऑफ
टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देखेंगे, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है माइनस वन, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे भी आप यही लाइन लिखेंगे, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, ये लाइन आप लोग खुद लिख लेंगे और नीचे फिर आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट इज रियल। तो यहां से स्टूडेंट हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई से दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन भी रियल होती है और मल्टीप्लीकेशन भी रियल होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं और देखते हैं किस तरह से हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस फोर कॉमा सेवन, इसका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है उसको हम z इनवर्स से डिनोट करते हैं, इसी तरह ही है ना ठीक है। अब यहां पे इसका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यानी कि माइनस फोर कॉमा सेवन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस फोर कॉमा सेवन, अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा का इनवर्स। क्लियर, अब क्योंकि पावर माइनस में है तो नीचे जाके ये प्लस हो जाएगी पावर, क्या आएगा वन ओवर माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा इसकी पावर वन। अब पावर वन लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको रिमूव कर, अब फिर देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या आ गया आयोटा, तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो रैशनलाइज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसको रैशनलाइज करें माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाय सिक्सटीन माइनस फोर्टी नाइन आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाय सिक्सटीन आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है वो माइनस और ये माइनस प्लस के फोर्टी नाइन, ये क्या आ जाएगा माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन विच इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं देखिएगा माइनस फोर ओवर सिक्सटी फाइव और माइनस सेवन ओवर सिक्सटी फाइव आयोटा, दोनों के नीचे अलग अलग माइनस फोर ओवर सिक्सटी फाइव और माइनस सेवन ओवर सिक्सटी फाइव आयोटा, इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो क्या आएगा माइनस फोर ओवर सिक्सटी फाइव कोमा माइनस सेवन ओवर सिक्सटी फाइव। ले स्टूडेंट्स ये हमने इस ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया।
यानी के -4.7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आ गया हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगले दोनों पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही है, इस तरह ऑर्डर पेयर दिया होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपने सिंपली उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख के नीचे ले जाएंगे, पावर प्लस हो जाएगी, फिर रैशनलाइज करेंगे, इसी तरह ही बाकी मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसको हम अच्छे तरीके से पहले कर चुके हैं, वो आप लोग कर लेंगे कैलकुलेशन। इसके अगले दोनों पार्ट आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। फिर भी अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है जी, हमने फैक्टराइज करना है इसमें, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। आप लोगों को पता है हमने 9th, 10th में क्वेश्चन किए हैं, 8th में, इवन 6th में हम सिक्स क्लास से हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन, हाउ वी फाइंड फैक्टर्स। ठीक है, ये हम 6th क्लास से काम कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को फैक्टराइज करते हैं, हम उसके कोई से दो फैक्टर्स तलाश करते हैं कि इस चीज को उसकी मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सके, वो ही इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखें, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इसको फैक्टराइज करने का कहा जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह अब यहां पे उसने एक हमें जो है वो लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है और इसे कहता है फैक्टराइज करें। अब इसी तरह हमने कोई से दो इसके फैक्टर तलाश करने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं हमारा आंसर क्या आए, ये नंबर आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिएगा इसके सॉल्यूशन में ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस माइनस 4b स्क्वायर। देखिए ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस ही नहीं हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर ही बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1 × 4b स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस 4 था तो मैंने इस तरह से लिख दिया, माइनस 1 × 4 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। आगे देखें, ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई बाय बी को मैं लिख बी स्क्वायर को इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ए स्क्वायर माइनस 2 iota b, इस सारे का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं क्योंकि सभी पे स्क्वायर था तो स्क्वायर में बाहर ले गया। 2 iota b का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो वो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर, बी का स्केयर बी स्केयर। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये देखिए जरा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफा ए प्लस बी एक दफा ए माइनस बी, यहां पे एक दफा ए प्लस बी यानी कि 2 iota b और एक दफा ए माइनस 2 iota b, ये किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। तो हमने वो दो फैक्टर्स तलाश कर लिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास आंसर ये आएगा, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट आप लोग बिल्कुल इसी तरह से ही है, आप लोग खुद करेंगे। थर्ड पार्ट भी इसी तरह ही है लेकिन उस वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है जी हमारे पास,
थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्या मैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं? देखिएगा, थ्री दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस के वाई स्क्वायर ही हो जाएगी ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। आगे देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, क्योंकि जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के वाई स्क्वायर ही बनेगा ना, यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन है तो माइनस वन को मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर कर देते हैं, इन दोनों का स्क्वायर था ना, इन दोनों को इकट्ठा करके इनका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन गया, एक दफा ए प्लस बी, एक दफा ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू एक दफा एक्स प्लस आयोटा वाई और एक दफा एक्स माइनस आयोटा वाई। ले जी, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है जी, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने क्या करना है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इसके दो मैं करवा देता हूं, एक आप कर, कोई से दो पार्ट मैं करवा देता हूं, एक आप लोग खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टू माइनस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस फाइव आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग करना है, तो देखिए कैसे करते हैं हम, टू माइनस सेवन एटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस फाइव एटा। अब डिनोमिनेटर में एटा है तो इसके एटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, फोर माइनस फाइव एटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस फाइव एटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, टू माइनस सेवन एटा मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फाइव एटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस फाइव एटा मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फाइव एटा, टू फोर आर एट माइनस टेन एटा माइनस ट्वेंटी एट एटा माइनस माइनस प्लस थर्टी फाइव एटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा जरा, एट ये माइनस टेन और माइनस ट्वेंटी एट क्या होगा, माइनस थर्टी एट आयोटा, और ये देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर क्या था, माइनस वन, तो ये प्लस माइनस माइनस के थर्टी फाइव हो जाएगी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 35 क्या होगा, माइनस 27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है वो माइनस और ये माइनस प्लस 20 फाइव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस 27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, ये क्या होगा हमारे पास, 41
तो अगर हम इसको रियल और 41 इसके नीचे भी हम कर सकते हैं और इसके नीचे अलग अलग से डिवाइड कर सकते हैं, -27/41 और -38/41 आयोटा। अगर तो कटते हैं तो ठीक है, वरना यहीं तक स्टॉप कर देना है आपने। तो ये देखिएगा, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में हमने कर दिया। ये जो है इसका रियल पार्ट है और माइनस के 38/41 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यही उसने कहा था, सेपरेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, जी -27/41 और -38/41 आयोटा, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने इसको सेपरेट कर लेना है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या है जी हमारे पास, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा को आप देखें, ओवर में आयोटा फिर आ गया, अगेन रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 जार आयोटा और ये प्लस माइनस, माइनस के आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या आ गया आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है वो माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये क्या आएगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 2, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू आयोटा। नहीं जी, इसको भी हमने जो है बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको कोई किसी किस्म का पॉइंट क्लियर ना हुआ हो या कुछ किसी किस्म का कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनमें कोई जो है बात क्लियर ना हुई हो जो मैंने बताई हो, तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।